Namu Arhantanam Namo tha Namo Namu Namo tha Namo Namu a Namu Namu एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनासनो मङ्गलानञ्च सर्वेशं पढमं हवयि मङ्गलम् पढमं हवयि मङ्गलम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा देवादिदेव अरहंत परमात्माग वाणी और चतुर्विद तीर्थ को वंदन नमन प्रणाम आराध्य गुरुदेव दृष्टि प्रदाता विराट गुरुजी को प्रणाम तत्विगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा उनकी देशना को प्रणाम समस्त जगत के समस्त निकायों का सतत आभार 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 उदय कर्म की सुखद वर्गणा जो देवे सत्संग मैं विराट बंधु सदा गुरु नैश्रय मिले प्रसंग जो मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहर स्वीकार हो अह स्वीकार हो अह स्वीकार हो हे श्रमाश्रमण सत गुरुदेव हम सबके भीतर सम्यक दृष्टि अवस्था प्रकट हो हम सब प्रज्ञावान हो हमारे भीतर सत का संचार हो हम प्रमाण रूप हो बोध रूप हो मुक्त हो, जय हो जय 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 हो, हो, हो। आज जूनागढ़ गिरनार पर्वत की तलहटी पर बैठकर मैं आप सबके साथ बातचीत कर रही हूँ बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही योगानुयोग से हम कल शाम को यहाँ पर पहुंच गए तो इतना मजा हुआ कि कैसे लाइफ एकदम स्पॉन्टेनियस गति करती है और हम सोचते नहीं वो कुछ हमारे साथ हो जाता है है ना हम बात कर रहे हैं तत्विगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के पहले चैप्टर के इर्थ सूत्र की आठवें सूत्र की बात कर रहे हैं आठवां सूत्र जिसकी चर्चा हमने अपने लास्ट टू सेशन में कर चुके हैं सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वेश सूत्र है इस सूत्र की बात करते हुए हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी पदार्थ को जानने का ये तरीके बताए गए हैं इसमें हैं लर्निंग के स्टेप्स बताए गए हम अगर कुछ भी लर्न करना है कुछ भी प्रैक्टिस करना है कुछ भी अंडरस्टैंड करना है तो हम कितने तरीकों से अंडरस्टैंड कर, कर सकते अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं कितने तरीकों से तो सबसे पहला पॉइंट हम इस सूत्र में कर रहे हैं सत दूसरा है संख्या तीसरा है क्षेत्र चौथा है स्पर्शन पांचवा है काल छठा है अंतर सातवां है भाव और आठवां है अल्प बहुत्व इन आठ तरीकों से हम किसी भी चैप्टर को किसी भी पदार्थ को एलिमेंट को किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी विषय को हम समझ सकते हैं उसकी समझ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यह जो तरीके तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है ये नए है और जब वो ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे भीतर आत्मावस्थान होता है वो प्रमाण है प्रमाण यानी ऑथेंटिक हो जाना भीतर बाहर कोई भी तरह के आवरण से रहित हो जाना पर्दा मुक्त हो जाना वो प्रमाण है जब हम जानने वाला जो जान रहा है उसके बीच में कोई अंतर ना बचे अभी अंतर है अंतर क्यों है क्योंकि अभी जो जानने वाला है वो तो प्रमाद में है सोया पड़ा है और जो जाना जा रहा है वो केवल सेंसरी नॉलेज है सेंसरी इंफॉर्मेशन है इसीलिए अभी हम गैर प्रमाणिक है लेकिन कब हम प्रमाणिक होते हैं जब जानने वाला जानने वाला जाग चुका है अब वो प्रमाद में नहीं है अप्रमत है तो अप्रमत हमारी साधना है अप्रमाद दशा में जीना हमारी साधना है बस सारा कुछ साधना इसी बात के लिए कि कैसे हम जाग जाए जब जागेगी तो हम खुद प्रमाण रूप है जिस इसको ऐसे समझे एग्जाम्पल से कि जिसकी दृष्टि के ऊपर कोई आवरण नहीं रहा जिसकी आंख खुल गई अब वो आंख खुल गई और वो, वो दुनिया को देख रहा है वो खुद प्रमाण है उसे सूरज देखा चांद देखा तारे देखे पर्वत पहाड़ देखे वो प्रमाण है क्योंकि वो खुद देख रहा है अगर लेकिन अंधा है आदमी और लोगों से सुन रहा है कि चांद ऐसा होता है तारे ऐसे होते हैं सूरज ऐसे होते हैं पर्वत पहाड़ नदी ऐसी होती है अब वो अंधा आदमी सब सारी बातें सुन के जान रहा है सुन के जो जान रहा है क्योंकि वो देख नहीं रहा इसीलिए वो जो जान रहा है सब कुछ नए है लेकिन देख रहा है तो प्रमाण है इसलिए नए का एग्जाम्पल छह अंधे व्यक्तियों से दिया गया कि छह अंधे व्यक्ति अगर एक हाथी के पास पहुंच जाए और हाथी को देख करके कोई अंधा बोलता है अरे ये हाथी तो दीवार के जैसा है कोई बोलता है सुपड़े के जैसा है कोई बोलता है पर्वत के जैसा है कोई बोलता है कि ये हाथी जो है वो एकदम पूछ के जैसा है रस्सी के जैसा है अब ये जितनी बातें कही जा रही है सब बातें ठीक है लेकिन पूर्ण नहीं है प्रमाण रूप नहीं है क्योंकि वो सारी बातें अनुमान से कही जा रही है अंधे आदमी अनुमान से ही बोल सकता है इन्फ्लुएंस से बोल रहा है एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा है तो एक्सपीरियंस इज प्रमाण और इन्फ्लुएंस से जो कुछ हो रहा है वो तो कुछ नए है लेकिन इस नए तभी सही रूप तभी प्रकट होता है जब भीतर में प्रमाणिक स्थिति आ जाती है तभी हमें सारे नए सारी दिशाएं एक ही दिशा में ले जा रही होती है एक स्थान पर होती है तो प्रमाण आग कैसे खुल जाए उसके लिए हमने बात की थी निर्देश स्वामित्व तो साधन अधिकरण स्थिति विधानतः सातवें सूत्र में बात की थी कि हम कैसे निर्देश दें स्वामी बने साधन करें तो अधिकरण की स्थिति आएगी और फिर हमारे भीतर ही प्रमाण की स्थिति का विधान हो जाएगा यानी हम स्वयं प्रमाण हो जाएंगे। सूत्र में हम बात कर रहे हैं कि नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले सत अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जिसको जान रहे वो अस्तित्ववान ही होगा अन अस्तित्व को तो जाना ही नहीं जा सकता लेकिन क्या जिसको हम जान रहे हैं उसका उसमें सत्ता है या नहीं जैसे कोई बोले बालू रेत में तेल है या नहीं तुम कहेंगे नहीं कितना भी पेल लो नहीं निकलेगा लेकिन दूध में मक्खन है कि नहीं हाँ है प्रोसेसिंग होगी लेकिन मक्खन आएगा प्रोसेस से गुजरना होगा तो बटर आ जाएगा इसी दूध में बटर है अरे वाह दूध में बटर दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन प्रोसेस से जाओगे तो निकल आएगा ऐसे इस आत्मा में ही परमात्मा है आत्मा ही परमात्मा है लेकिन प्रोसेस से होगा लोग बोलते जब मैं ही हूँ तो फिर हूँ क्यों नहीं हो तो सही लेकिन होते हुए भी वहां तक होने के लिए प्रोसेस की जरूरत है क्यों प्रोसेस की जरूरत है क्योंकि तो तिल में तेल है लेकिन निकालने के लिए मक्खन बाहर कैसे आएगा बिना प्रोसेस के हम फूलों में से शहद निकालेंगे कैसे प्रोसेस तो चाहिएगा ना प्रोसेस, प्रोसेस तो वो प्रोसेस समझना होगा हमको और उसको समझने के लिए सारा नए ज्ञान है कि कैसे हम उस प्रोसेस से गुजरे कैसे हम अपने भीतर उस द्वारों से निकले कि हम जो है अपने वास्तविक रूप में बाहर आ जाए जैसे दूध घी हो जाए आत्मा शुद्ध रूप में होकर अपने परमात्मा अवस्था में आ जाए वो आत्मा ही परम आत्मा है अपा सो परम अपा आत्मा ही परमात्मा है आत्मा ही जीव वही शिव है वही ब्रह्मा है वही महेश है वही विष्णु है वो आत्मा ही है वो आत्मा ही उसको अलग अलग तरीकों से कहा गया है लेकिन वो आत्मा क्या है वो हमें अभी नहीं पता है यह हमारे लिए वर्ड है है केवल एक शब्द मात्र है, हमारा कोई अनुभव नहीं है तो हम उस अनुभव को कैसे उपलब्ध हो जाए तो कहा उस अनुभव को उपलब्ध होने के लिए आपको कई मार्गणाओं से इस अंडरस्टैंडिंग को हम प्राप्त कर सकते हैं तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को समझना है चाहे खुद को समझना चाहे दुनिया को समझना है हमें इसके लिए हमारे अनुभवी प्रज्ञा पुरुषों ने मार्ग दे दिए द्वार दे दिए ओपनिंग स्टेप्स दे दिए अब हम हमें गुजरना होगा तो हम बात कर रहे हैं सत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भावाल्प बहुत पहले सत्ता को अस्तित्व को जानना है जहाँ जाना है उसका अस्तित्व कहाँ है वहीं पे तो जाना होगा उसका अस्तित्व वहां नहीं तो वहां कैसे जाया जाएगा तो पहले जानना कि क्या एड्रेस ले लेना कि क्या वो वहां है बड़ी मजेदार घटना घटी एक बार स्वामी जी, आ, शायद वो रामकृष्ण परमहंस के साथ गति थी उनके पास एक जगह का उस समय का जो राजा राजा था वो पहुंचा। बोले तो वो सामन था बड़ी स्थिति में था तो वो पहुंच करके बोलता है कि बस मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। मुझे ईश्वर का पता बता दो वो बोलते ईश्वर का पता तो मैं बता दूंगा मैं ईश्वर को भेज दूंगा लेकिन तुम अपना पता बता दो तुम कहाँ रहते हो उसने बताया मैं फला फला जगह का राजा हूँ तो बोला अच्छी बात है लेकिन जब ईश्वर आए तो तुम राजा वही बने रहोगे रहोग पक्का है कि नहीं है क्योंकि तो तुम तुम आज हो कल को तुम्हारा राज्य किसी और ने छीन लिया तो तुम कहा होंगे तो बोला ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर मेरा राज्य किसी ने छीन लिया तो मैं कहा होऊंगा तो फिर तुम्हारा एड्रेस तो बता दो ईश्वर तो आ जाएंगे एड्रेस तो बताओ तुम्हारा पता है कहाँ पर वो कहते हैं अगर राज्य छीन लिया तो मैं कहा जाऊंगा मुझे भी नहीं पता Osionfish. तो कहा जब तुम्हारा पता ही तुम्हें नहीं है तो ईश्वर का पता मैं भेजू पर तुमको ईश्वर को? तो पड़ेगा ना मेरा पता कहाँ है क्योंकि सत सद, सत्तावान को खोजना है लेकिन सत्तावान है कहा मैं कहाँ हूँ तो खोजना पड़ेगा मैं कहाँ पर हूँ हाँ उसको खोजने की टेक्निक हम सीख रहे हैं इसीलिए आगे कहा क्षेत्र भी जानना होगा संख्या भी जाननी होगी क्योंकि बड़ी मजेदार बात हुई महावीर स्वामी के पास में एक युवक पहुंचता है और वो महावीर स्वामी से प्रश्न करता है आप एक हो दो हो या अनेक हो क्या हो वो जान बुझ के महावीर स्वामी के पास से प्रश्न कर रहा है ताकि महावीर स्वामी को उलझाया जाए अगर महावीर स्वामी कह दे मैं एक हूँ तो वो कहेगा एक कैसे हो आप वो कह दे दो हूँ तो आप दो कैसे हो ये बताओ और कहते अनेक हो तो अनेक कैसे हो ये बताओ संख्या से भी तो जान रहे हैं ना अपन तो उसने भी मावी स्वामी से मजेदार प्रश्न किया आप एक हो दो हो या अनेक हो क्योंकि वो एक कह दे तो भी वो सवाल डाल सकता है कि आप एक कैसे हो आप जो दिख रहे हो वो हो या जो आपके भीतर देखने वाला है वो हो आप क्या हो और आप अगर दो कह देते हो तो हम सवाल डालेंगे कि आप दो कैसे हो आप जीव और मन हो या कुल खाली जीव हो और अगर वो कह दे कुछ ये हूँ अनेक हो तो अब सवाल डालेंगे फिर हम आप पर कैसे भरोसा करें क्योंकि आप तो अनेक रूप वाले हो तो महावीर स्वामी के सामने प्रश्न किया गया आप एक हो दो हो या अनेक हो तो महावीर स्वामी जी मजेदार जवाब दिए वो बोले मैं एक भी हूँ दो भी हूँ और मैं अनेक भी हूँ अब वो क्या पूछने वाला खुद ही चक्कर में आ गया वो क्या अब मैं क्या पूछू इनसे क्योंकि तो हर बात में बोल रहे मैं ये भी हूँ वो भी हूँ और ऐसा भी हूँ जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं सत्व भी हूँ रजस भी हूँ तमस भी हूँ अब मैं अच्छे में भी अच्छा हूं और बुरे में बुरा भी हूँ अरे यार गजब बात है तुम तो कुछ कुछ एक पॉइंट तो लेकिन वो कहते हैं, मैं सब कुछ हूं। ये भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ वैसा भी मैं हूँ तो बड़ी मजेदार स्थिति पैदा हो जाती है कि हम क्या समझे उनको तो वो कह रहे हैं संख्या से कैसे पकड़ोगे मेरे को क्योंकि मैं एक भी हूँ दो भी हूँ और अनेक भी हूँ फिर तो उनसे पूछा जाए एक किस तरीके से कह रहे हो दो किस तरीके से तो उसका भी जवाब देते हैं मैं इस अपेक्षा से एक हूँ इस अपेक्षा से दो इस अपेक्षा से अनेक हूँ और हम सब भी ऐसे ही है जरा सा समझे तो हमें लगता है हम एक है लेकिन हम हम एक का सुबह कुछ होते हैं दोपहर कुछ होते हैं हो है। ये तो तो मैं समय के भेद से बता रही पूरे दिन भर में न जाने कितने रूप बदल लेते हैं हैं अभी कुछ कह रहे थोड़ी देर बाद कुछ और कहने लग जाते हैं अभी कुछ फील कर रहे हैं थोड़ी देर बाद कुछ और फील करने लग जाते हैं हम तो बदलते रहते हैं नहीं बदलते रहते खुद ही शैतान बन जाते हैं खुद ही कभी महात्मा बन जाते हैं खुद ही कभी कुछ बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं तो हम बदलते जा रहे हैं हम एक भी नहीं है एक भी है हम दो भी नहीं है दो भी है हम अनेक भी नहीं है और हम अनेक भी है मजेदार है हम हम अगर महावीर स्वामी आज से तो अनेक अनेक पच्चीस सौ वर्ष पहले छब्बीस सौ वर्ष पहले बोल के गए अनेक चित्ता खलु अयम पुरिसा ये पुरुष अनेक चित्तों वाला है अनेक चित्तों वाला यानी ये एक नहीं है ये अनेक है अनेक चित्त है ये है, है। यूनिसाइकिक नहीं और खोज के के द्वारा इस इस बात तक पहुंचे वो वो बोलते हैं भगवान तो पहले पहले हजारों वर्ष क्योंकि मन मन की की उस स्थिति पार चले गए कि सारी को देख पा रहे हैं और तब तो वो कह पा रहे यूनिसाइकिक आदमी है, है मानवा फिर तो उसके आगे उन्होंने बहुत जबरदस्त बात करी किए कि जब वो इतने चित्त वाला है तो वो कैसे किसी एक चित्त को भी पूरा कर सकता है मन को भरा कैसे जा सकता है एग्जाम्पल देते हैं अनुभवी लोग कि मन जो है वो चलनी की तरह है जैसे चाय छानने चा, वाली जो चलनी होती है उसमें कितने सारे छेदी छेद छेदी, छेदी छेद होते हैं अब अगर अपन उन सोचे उन छेदों को भर ले तो भरा कैसे जा सकता है इतने सारे छेद है आप कुछ भी चीज डालोगे वो निकल जाएगी उसमें टिकने वाली नहीं है ऐसे हमारे भीतर मन में इतने सारे छिद्रे छिद्रे छेदी छेदे इतनी बातें सुनते हैं लेकिन सब गायब हो जाती है कुछ टिकती नहीं है हमारी स्थिति हम जब देखते हैं अरे ये क्या इतना सुना लालच नहीं करना लेकिन जैसे निमित आता है फिर लालच आ जाता है और फिर लालच में कब बह जाते हैं पता ही नहीं लगता निमित आने की देर दे हमारे भीतर से ना जाने कब क्रोध का आवेग फूट पड़ता है कब माया कपट आ जाती है कब लालच आ जाता है और ये लालच कैसा है तो कैसे मरी हरी पूरे है। इसको कैसे पूरा किया जा सकता इसको भरा ही नहीं जा सकता ये तो पूरे पूरे पहाड़ के पहाड़ जितना सारा साम्राज्य मिल जाए ना सोना चांदी के ढेर मिल जाए तब भी भरने वाला नहीं है तब भी सामने कुछ और आकर्षक चीज आ जाएगी तो कहेंगे हाँ, ये भी चाहिए और फिर चाहिए की बात करेंगे क्या ये नहीं पता लेकिन बस चाहिए बस तो ये चाहिए हमारे भीतर बहुत गहरा घुसा हुआ है तो कह रहे हैं कि हमारे भीतर में सब छिद्र वाली स्थिति है इन छिद्रों को सब पहचानना होगा ये संख्या ज्ञान से पहचाने कितने छिद्र हमने अपने कर रखे हैं कबीरदास जी बहुत मजेदार बात कहते हैं वो कहते हैं नौ द्वारों का पिंजरा तामे पंछी मौन ये नौ द्वारों का पिंजड़ा है इसमें पंछी बैठा है लेकिन वो मौन है अब कैसे उस उस स्थिति को हम पहुंच जाए कि वो जो मौन पंछी है उसका साक्षात्कार हो जाए नौ द्वारों का पिंजड़ा इस शरीर के नौ दरवाजे हैं इन नौ दरवाजों में से किसी भी दरवाजे से हम चूंकि हम नौ ही दरवाजे से बाहर जा रहे हैं तो भीतर भी जा सकते हैं नॉई द्वारों से भीतर भी जा सकते हैं और भीतर कैसे जा सकते हैं उसकी हम सारी साधना कर रहे हैं तो सत संख्या संख्या से जानते हैं फिर क्षेत्र स्पर्शना क्षेत्र और स्पर्शना से जानते हैं क्षेत्र क्या है जहाँ रह रहा है कोई भी पदार्थ जिसको जानना है उसके वास्तु को भी जानना होगा वो किस क्षेत्र में रह रहा है वो भी जानना होगा क्योंकि जैसे क्षेत्र का ज्ञान आ जाएगा हम उस पदार्थ के ऊपर आने वाले इंप्रेशन का भी ज्ञान आ जाएगा क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है अपने आप में अकेला नहीं है चार ओर के वातावरण को भी समाये हुए है जैसे हम अभी अकेले नहीं है ऐसा लग रहा है हमारे चार और प्रकृति के अंदर कितनी सारी चीजें गट गे, रही है यहाँ सूर्योदय हो रहा है आपके वहां सूर्यास्त हो गया है अब ये क्षेत्र का फर्क हो गया ना क्षेत्र बदलते ही सूर्योदय सूर्यास्त हो गया अब यहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी बात कर रहा है अरे इतनी गर्मी है अमेरिका में बैठा हुआ आदमी कर रहा है इतनी ठंडी है बोले तू झूठा है यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है बोल रहे मैं सच्चा हूँ मेरे को ठंडी लग रही है अरे भाई तुम भी सच्चे वो भी सच्चे ना तुम जीते ना वो हारे तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय विराट गुरु जी कहते थे जिंदगी में ऐसे जियो कि ना तुम जीते ना हम हारे तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय भाई तुम भी ठीक हो हम भी ठीक है तुम तुम्हारी अपेक्षा से ठीक हो हम हमारी अपेक्षा से ठीक है तो अब कोई बोल रहा है गर्मी है हाँ, जी गर्मी भी है कोई बोल रहा है ठंडी है हाजी ठंडी भी है अभी तो मजेदार हो रहा है इंडिया के अंदर जहा जहा जा रहे गर्मी में भी बारिश भी हो रही है तो दिन में कभी कभी बारिश हो जाती है कभी कभी एकदम ठंडा हो जाता है और कभी एकदम तेज गर्मी हो जाती है थर्टी नाइन डिग्री टेम्परेचर गुजरात के अंदर कल था अभी देखो तो ये अभी तो गर्मी है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी तो क्या क्या कहेंगे गर्मी कहेंगे सर्दी कहेंगे बारिश कहेंगे क्या कहेंगे भाई सारे मौसमों को हम एक साथ ही जी रहे होते हैं तो ये क्षेत्र के साथ में हम देखते सारे परिवर्तन हो जाते हैं शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव के पास में व्यक्ति प्रश्न लेकर के पहुंचा कि गुरुदेव आप भगवान हो क्या आप बताओगे कि इस समय में मोक्ष संभव है इस आर्य में मोक्ष संभव है शांति सोरेश्वर जी गुरुदेव मुस्कुरा दिए और बोले कि जब इस समय में किसी एक जगह पर गर्मी हो रही है तभी किसी दूसरी जगह पर ठंडी भी तो मौजूद है तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि ठंडी नहीं है ऐसे कहा कैसे कहा जा सकता है कि गर्मी नहीं है कुछ आत्माएं ऐसी है उनके लिए तो अभी मोक्ष है वो अपने भीतर उच्चतम श्रेणी पर पहुंच गई है उनके लिए अभी मुक्त अवस्था है लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जो अभी उस अवस्था तक नहीं गुजर रही है नहीं पहुंच पा रही है उनके लिए अभी मोक्ष नहीं है मोक्ष का संबंध उससे नहीं है कि क्षेत्र क्या है मोक्ष का संबंध इससे नहीं है कि काल क्या है मोक्ष का संबंध इस बात से है कि हम अपने भीतर किस अवस्था में हैं हमारी हमारी श्रेणी क्या है हमारी अवस्था क्या है हम कितना अपने मान्यताओं से ग्रस्त है कितना मिथ्यात्व से बद्ध है अथवा कितना जाग रहे हैं कितना जाग चुके जागे तो इसी क्षण में मुक्ति है जो जागे सो मोक्ष बस जागना ही मोक्ष हो जागना किससे अपनी मान्यताओं से अपनी धारणाओं से अपनी, अपनी आवरणों से अपनी सोच से अरे सोच कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम ग्रस्त किए हुए हैं वो हमें समझना होगा कितने इम्प्रेशन हमने इकट्ठे कर रखे हैं उस इम्प्रेशन के प्रति जागना होगा जैसे सजग हो जाएंगे कोई इम्प्रेशन कोई प्रभाव नहीं लेंगे जो है उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है तत्वार्थ तत्व के अर्थ को देखने लगे जैसा है वैसा देखने लगे बस तो फिर मुक्ति है क्योंकि आवरण तो सारा मान सोच से आया मान्यता से आया प्रभाव से आया और वो हमें दिखाई पड़ने लग जाए तो शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव ने बड़ा प्यारा जवाब दिया बोला अभी देखो कोई मरुस्थल में बैठा है उसके लिए तो गर्मी है लेकिन इसी समय कोई कैलिफोर्निया में बैठा है उसके लिए सर्दी है कोई पहाड़ों पर बैठा है उसका मौसम अलग है और कोई तलंटी में बैठा है उसका मौसम अलग है है ना तो हम गिर की तलटी में बैठ के बोल रहे हैं यहाँ का मौसम मजेदार है अगर गिरनार के ऊपर चढ़ जाए तो भी बोलेंगे मौसम मौसम मजेदार 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 है 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 और अगर कैलिफोर्निया में बैठ जाए तब तो भी बोलेंगे क्यों मौसम 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 क्योंकि आप अगर विद इन मजेदार हो तो बाहर भी मजेदार हो भीतर में मजेदार हो तो बाहर भी मजेदार हो और मजेदार हो जाए इसी के लिए सारी बोध ले रहे हैं कि कैसे हम अपने क्षेत्र को पहचाने तो मेरा पता है क्या है अरे मैं परमात्मा का पता तो ढूंढ रहा हूँ कोई ढूंढे यहाँ कोई ढूंढे वहां गुरु तेरा पता मालूम को कोई कहीं ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है, है तू मेरे भीतर ही है तू संज्ञा में है सतत बसा गुरु तेरा पता मालूम मुझे तू मेरे भीतर बसा हुआ है मुझे तेरा पता मालूम है वाह क्या मजेदार स्थिति आ जाती है तो क्षेत्र को पहचानना क्योंकि क्षेत्र से चीजें बहुत प्रभाव ले रही है प्रभाव दे रही है क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो हमारे भीतर का एक वास्तु का बोध प्रकट होएगा। फिर हम अगर भीतर हमारी ऊर्जाओं के साथ हमने कुछ काम किया है तो हमारा शरीर डिफरेंट स्थिति में आ जाएगा उस व्यक्ति जो व्यक्ति ने योग साधा है जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया है जिसकी प्राण ऊर्जा ऊर्जागामी हुई है

उसका चूंकि भीतर में प्राणों का तो हुआ ही नहीं है तो ब्रह्मचर्य से से तो कुछ कुछ द्वंद है।, है, है उसके भीतर बहुत सारे कुछ ड्रीम्स चल रहे हैं बहुत सारे कुछ डिजायर्स चल रही है उसके प्राण ऊपर नहीं उठे उसके भीतर मुक्त स्थिति नहीं आई मजेदार स्थिति नहीं आई है तो अब उसका शरीर चाहे बाहरी निमित्त से दूर रहा हो लेकिन वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हुआ है क्योंकि तो ब्रह्मचर्य का संबंध भीतर की स्थिति से है भीतर का भीतर में क्या स्पर्श न कर रही है हमारी प्राण ऊर्जा कौन से केंद्र को स्पर्श कर पा रही है अभी हमारी प्राण ऊर्जा खाली मूलाधार केंद्र पे है तो वो तो सोई पड़ी है वो कुछ गति नहीं कर रही लेकिन अगर वो जाग गई तो मूलाधार उससे ऊपर उठते हुए वो स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र अनाहत चक्र कौन से चक्र को स्पर्श ना कर रही है अगर वो हमारे अपनी स्पर्शना हमें समझ में आ जाए कि हमारी ऊर्जा अब अनाहत चक्र तक स्पर्श कर रही है तो हमें समझ आएगा अनाहत पे आते ही उसके भीतर प्रेम हो जाता है अब वासना वासना नहीं रहती अब वो प्रेम की स्थिति में आ जाती है जब वो प्रेम की स्थिति को स्पर्श कर रही है तब तो उसके भीतर ब्रह्मचर्य स्थिति पैदा हुई अब उसको पूरे जगत के अंदर प्रेम ही प्रेम है और कारण ये नहीं है कि सामने वाला सुंदर है या सामने वाला मजेदार है प्रेम किसी और की वजह से नहीं है प्रेम इंडिपेंडेंट है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है स्त्री पुरुष सुंदर असुंदर कुछ से भी डिपेंडेंट नहीं है वो प्रेम उसकी अपनी अवस्था से है अब सामने वाला गाली भी देता है भी उसके भीतर से गाली निकलती नहीं नहीं क्रोध निकलता ही बुद्ध, बुद्ध को कोई गाली भी दे देता है बुद्ध को कोई क्रोध भी कर देता है कोई कूड़ा भी फेंक देता है तब भी बुद्ध के भीतर से क्रोध नहीं उठाया जा सकता क्यों नहीं उठाया जा सकता क्योंकि अब उनके भीतर में जो क्षेत्र की फरसना हो रही है उनकी ऊर्जा जो है अब वो निचले केंद्रों पे है ही नहीं और वो लालच से बद्ध नहीं है अब वो ऊर्धामी हो गई है तो उनके भीतर प्रेम हो गया अनाहत खुल गया है तो क्या हुआ कि जब अनाहत चक्र खुल गया तो उनके भीतर से एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि अब उनके भीतर से कुछ चीजों को उठना ही असंभव हो गया बहुत मजेदार स्थिति पैदा हुई अभी भी कई लोग स्वामी जी के पास आते हैं बोलते हैं ध्यान में तो जाना है लेकिन डर लगता है कि ध्यान में जाने से कुछ खो ना जाए मतलब कुछ छूट ना जाए फिर, फिर मैं घर में रहूंगा कैसे स्वामी तो जी बोलते छूटेगा तो सही घर छूटे जरूरी नहीं है लेकिन छूटेगा तो सही क्या क्या छूट जाएगा स्वामी तो जी बोलते गुस्सा छूट जा सकता है मान छूट सकता है लालच छूट सकता है पकड़ छूट सकती है घृणा द्वेश ईर्ष्या छूट सकती है अब देख लो तुम्हें छोड़ना है कि नहीं बोला हा ये सब छूट जाए तो मजेदार लेकिन घर नहीं छूटना चाहिए बोले पता नहीं घर भी छूट सकता है वो घबरा जाता है आदमी अरे घर भी छूट सकता है नहीं नहीं घर छूट गया तो कहा जाऊंगा बस यही हमारी छोटी सोच है हम पहचान ही नहीं पाते हमारा असली घर क्या है और मोस्टली लोग मिलने के साथ ही सवाल करते रहते का हुँ? हम कहते धरती पे रहते धरती पे तो सभी रहते आपका रहते हो हम एक जगह पे नहीं रह रहे हम लगातार रोमिंग घूम रहे हैं तो हम कोई समझ ही नहीं पाता ऐसे कैसे हो सकता है आपका घर कहाँ है हम कहते हैं पूरी धरती हमारा घर है अरे ऐसा कैसे हो सकता है पूरी धरती घर है किताबों में तो बात ठीक लगती है वसुदेव वसुधे प्रैक्टिकल कहाँ ठीक लगती है प्रैक्टिकल इसलिए ठीक नहीं लगती क्योंकि हम सब की आदत हो गई छोटी सी सोच में रहने की छोटे से घर में रहने की अपने आप को बांध करके बंद करके रहने की और बांध करके और बंद करके रहने की इतनी गहरी आदत हो गई है कि तो हम किसी के भी साथ है तो लोग पहला सब सवाल ही करेंगे फिर आपका रिश्ता क्या है हम कहते रिश्ते की जरूरत क्या है प्रेम है तो सारे रिश्ते हैं और प्रेम नहीं तो कौन सा रिश्ता है लेकिन सोच सीधा कहा जाएगी रिश्ता क्या है कोई रिश्ता ही नहीं है रिश्ता क्यों ये तो नामकरण है ना और नामकरण क्यों प्रेम है तो किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है और प्रेम नहीं है तो सर तो रिश्तेदार भी रिश्तेदार का है कोई भी रिश्तेदार नहीं है तो प्रेम नहीं है तो आप फिर भी अकेले ही होंगे और प्रेम है तो पूरी धरती आपकी है रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा सारा जहां हमारा है लेकिन हमें इतनी बात इस तरीके से जीना इस तरीके से सोचना इस तरीके से रहना हम डेवलप ही नहीं हुए अभी तक हमारा सीधा संबंध सीधा क्वेश्चन केवल छोटी छोटी बातों के साथ होगा आप किसके साथ कनेक्टेड है अरे हम सबके साथ कनेक्टेड है लेकिन हमें होश नहीं है जब व्यक्ति अपने भीतर उन क्षेत्रों की स्पर्शना करता है अपने भीतर उसकी प्राण ऊर्जा जब मणिपुर चक्र तक आ जाती है तब तो उसको कभी समझ आने लगता है अरे वाह मैं तो कोई से कनेक्टेड स्वामी जी से सैकड़ों लोग यही सवाल बार बार पूछते हैं फिर आप जीते कैसे हो आप कमाते नहीं हो आप कहते मैं कमाता नहीं हूँ मैं मांगता नहीं हूँ तो फिर आप जीते कैसे हो आपको जिस रहने की स्टाइल से तो ऐसा लगता है कि आप करोड़ोपति होंगे सामी हंसते है वो बोलते करोड़ो पति तो नहीं हूँ मैं कोई पैसा रखता ही नहीं हूं ना पैसा कमाता हूँ लेकिन मजेदार बात है कि मैं बड़े आराम से मजेदारीता हूँ एक्सक्लूसिव है इसलिए हम सबको सीमित चीजों को पकड़ना पड़ता है अगर एक बार अनुभव आ जाए कि हम इंक्लूसिव है अब ये बात कैसे समझ में इंक्लूसिविटी कैसे समझ में है वो बोलते देखो पेड़ के हर पत्ते तक अपने आप से जड़ों से सारा कुछ मिल जाता है लेकिन पत्ता पत्ता पानी थोड़ी खोज रहा है या पानी थोड़ी पी रहा है लेकिन जड़ों में पानी जाता है जड़ों से पानी ग्रहण होता है पूरे पत्ते तक हर जगह तक पहुंच जाता है तो जैसे एक पेड़ के सारे पत्ते उस पेड़ के साथ इंक्लूसिविटी में है तो मजेदार स्थिति में जी रहे हैं ऐसे हम देखें हम पूरे अस्तित्व के साथ एक ही है इंक्लूसिव है अब इस प्रोग्राम में अलग अलग नहीं है लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग मान लिया है अब हमने मान लिया ओ आई एम दिस आई एम दैट मैं यहाँ का निवासी हूँ ये मेरा परिवार ये रिश्ता ये घर ये मैं उनका बेटा ये उनका पति अब हमने आपको जितना छोटा 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 मान लिया है फिर हमने मान लिया मैं अलग जैसे ही मैं अलग मान लिया अब क्या आया मैं की सीमा के साथ ही फिर मैं 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 आ गया मैं पना आ गया और मैं पन्ने से फिर सारी झगड़े फसाद चालू हो गया मैं आया तो तू आया फिर मैं तू आया तो तू मैं में भी आ गया झगड़ा भी आ गया तो ये सब क्यों आ रहा है क्योंकि हमने अपने आप को एक्सक्लूसिव मान लिया और हमें इसका मजा आता है जब हमको जब हमें कोई ख्याल दिलाता है ओ यू आर एक्सक्लूसिव यू आर डिफरेंट हमें बड़ा मजा आता है मैं इस चीज में एक्सक्लूसिव हूँ क्योंकि ये काम मुझे ही आता है और किसी को नहीं आता ये आर्ट मेरे पास ही और किसी के पास नहीं है इनकी जिंदगी में मैं ही महत्वपूर्ण हूँ तो कितना मजा आता है जब कोई बोलता है बस मेरी मेरे लिए तुम तो ही जिंदगी हो हमें इतना मजा आता है क्यों क्योंकि हमें अभिमान पुष्ट होता है हमें लगता है वाओ तो एक्सक्लूसिविटी में हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है हमें बहुत मजा आ रहा होता है बस यही हमारा अज्ञान है ये हमारा मिथ्या दर्शन है कि हमने अपने आप को एक्सक्लूसिव मान लिया जबकि है ही नहीं एक पल में अगर अभी सूरज बंद हो जाए सूरज रोशनी देना बंद कर दे हमारी क्या स्थिति होगी वैज्ञानिक कहते हैं अगर ये सूरज जो इस समय चमक रहा है अगर ये ठंडा हो जाए शांत हो जाए अगर ये प्रकाश देना बंद कर दे आठ मिनट के अंदर पूरी धरती खत्म हो जाएगी धरतीवासी सब जी जो जी पा रहे हैं वो सूरज की वजह से जी पा रहे अब ये सूरज ये चांद ये हवाएं ये सब कुछ कितना महत्वपूर्ण है अगर हम इनके बिना एक पल भी जीने का सोचे तो हवा निकल जाए बस एक सांस बाहर गए भीतर ना ले पाए खत्म हो जाएगी बात तो हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं अरे एक सांस की बात है सूख जाए सांस निकल जाए पानी की बूंद सूख जाए तो हमका गायब हो जाएंगे सब लोग बोल रहे जल है तो कल है अरे जल है तो कल नहीं आज भी है आज भी जल है तो हम हैं। जल नहीं हुआ तो हम कैसे होंगे? तो हम सब घमंड कर रहे कि मैं लेकिन वो मैं हूं कौन हम इंक्लूसिव है इंक्लूसिविटी समझ में आ जाए हम पूरे इस के साथ एकाकार है हम अलग नहीं है, जुदा जुदा नहीं है जुदा होना हमारा भ्रम है हम जुदा है ही नहीं हम सब जुड़े हैं संयुक्त है इंक्लूसिव यानी सब संयुक्त है सब समष्टि में एकाकार है एक्सक्लूसिव डिफरेंट आई एम स्पेशल दिस इज एक्सक्लूसिविटी मजा आ रहा है क्योंकि अभिमान पुष्ट हो रहा है मन को मजा आ रहा है मन को भी तो रखने के लिए अपना पैर जमाने के लिए कुछ स्थान चाहिए चाहिए कुछ सत्ता चाहिए। तो मन हो रहा है लेकिन अगर अनुभव से समझा जाए तो वी ऑल आर इंक्लूसिव सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जब सब जुड़े हुए हैं तो मैं क्यों बोलूं कि मेरी तरफ पानी आए मेरी तरफ हवा आए मेरी हवा स्पेशल आए ना जाने ये हवा जो सांस ले रही है कितनों की सांस निकली निकल रही है और हमारी सांस आ रही है हमारी सांस आ रही है निकल रही है और कितनों को सांस मिल रही है वी डोंट नो तो वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि पेड़ पौधे जो है वो लगातार ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो उनसे जो ऑक्सीजन निकल रही है वो हम ले रहे हैं हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो जी रहे हैं और इस तरह से हम परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग से जी रहे हैं ये केवल वृक्ष मनुष्य की बात नहीं है प्रत्येक प्राणी जगत का प्रत्येक प्राणी इंक्लूसिव है इंक्लूसिविटी समझ आ जाए तो क्षेत्र समझना होगा कि हमारा क्षेत्र क्या हमारी स्पर्शना क्या है हम मान रहे हैं कि हम डिफरेंट है लेकिन है नहीं जैसी अनुभव से समझ आ जाएगा वैसी भीतर ब्रह्मचर्य गठित हो जाएगा इंक्लूसिविटी ब्रह्मचर्य है यानी अब ब्रह्म जैसी चर्या गई अब ब्रह्मांड और में एकाकार होगा और फिर इतना मजा आता है उस प्रेम के बीच जब वो प्रेम घटित होता है तब कोई भी तरह की आकांक्षा नहीं रहती और कोई भी तरह की डिमांड नहीं रहती और भीतर से केवल एक जैसे सूरज से रोशनी निकलती है जैसे फूलों से खुशबू निकलती है ऐसे उस इंसान के भीतर से प्रेमाणु बरसते रहते हैं और जिसके भीतर ये अवस्था पैदा हो जाती है धीरे धीरे उसका काल उसका काल जो है वो बाहर से नहीं चल रहा भीतर से उसके भीतर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उसका काल उसका समय जो है वो उस काल की जकड़न से मुक्त हो गया यानी काल यानी परिवर्तन तो हो रहा है कलन तो हो रहा है लेकिन वो उस परिवर्तनों के बीच में भी कुछ चीज कुछ ऐसे केंद्र को उपलब्ध हो गया जो परिवर्तनशील नहीं है परिवर्तन चालू रहे लेकिन कुछ ऐसे केंद्र जग गए जहां कोई परिवर्तन नहीं है वो केंद्र है उसके चारों ओर परिवर्तन है लेकिन उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं है उस स्थिति में हमें आना है तो हमें देखना होगा हमारी प्राण ऊर्जा आई क्या क्या अनाहत चक्र तक आई क्या विशुद्धि चक्र तक आई क्या आज्ञा चक्र तक आई और जब यह प्राण ऊर्जा का उर्वगमन होता है तो व्यक्ति अपने भीतर ही एक अलग स्थिति को प्राप्त हो जाता है फिर जब विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा आ जाती है उसकी स्पर्शना हो गई विशुद्धि चक्र की 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 तो होने के साथ ही उसके भीतर की सारी अशुद्धियों जो ग्रंथियां थी वो निकलने लगती है वो खत्म होने लगती है उपशमित अवस्थाएं श्रेय को उपलब्ध होने लगती है विशुद्धि चक्र पर आने पर और तब एक बवंड समझता है विशुद्धि चक्र पर किसी के प्राण ऊर्जा आती है तो चूंकि उसके भीतर जिस तरह की ग्रंथिया थी वो उड़ के आएगी तो अब उसका रूपाकार बदल जाएगा उसकी स्थितियां बदल जाएगी बाहर से और भीतर से मजेदार होगा क्योंकि ग्रंथि निर्जलित होने से पहले उदय में आती है और जब उदय में आ रही है कोई चीज तो वो अपना प्रभाव तो लाएगी लेकिन उस प्रभाव के अंदर वो व्यक्ति बहेगा नहीं जिस व्यक्ति के भीतर में जागृति है सजगता है इसीलिए इस गुणस्थान तक इस विशुद्धि चक्र तक आते आते अगर सजगता सद, सद रही है तो तो अशुद्धियां निकल जाएगी और व्यक्ति मुक्त होते ऊपर उठ जाएगा बाहर से लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है क्योंकि इसके भीतर से तो अशुद्धि बाहर आ रही है तो बाहर से तो लोगों को गलत लग रहा है कि उसके भीतर शुद्धि हो रही है जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझे कि कोई नाली है उसके अंदर कुछ की, कुछ कचरा इकट्ठा हो गया है तो जब हम उस नाली की सफाई करेंगे तो बाहर क्या आएगा नाली के अंदर हमने तेजी से पानी छोड़ा है या कुछ केमिकल छोड़ा है और हमने वो जो ब्लॉकेजेस उनको खोल दिया है तो जब ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं तो बाहर तो कचरा आ रहा है लेकिन भीतर में शुद्धि हो रही है इसीलिए कई लोग जब ध्यान साधना के प्रयोग कर रहे होते हैं तो डर के मारे भाग जाते हैं आग खोल देते हैं। अभी अंदर से डर आ रहा है वो डर इसलिए आ रहा है कि भीतर जो भरा पड़ा था वो निकल के खत्म हो रहा है लेकिन वो निकल के जब खत्म हो रहा है तो हम सजग नहीं रह पाते हम धैर्य नहीं रख पाते हम उतना साहस नहीं रख पाते एंड तक बैठे ही रहे और जैसे हमारा साहस चूका हमारा संकल्प टूटा हमारा धैर्य छूटा धैर्य छूटा ध्यान ध्यान खत्म हो गया और ध्यान खत्म हुआ आप क्या हुआ कि वो जो नाली में से कचरा निकला था उस कचरे के साथ साथ हम भी बह गए हम हाँ, उस कचरे के प्रभाव में आ गए गड़बड़ी हो गई वरना कचरा निकलना था हम बैठे रहते नाली शुद्ध हो जाती ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस खुल जाते खुलते एक डिफरेंट स्थिति पैदा हो जाती नया माहौल पैदा नए क्षेत्र की स्पर्शना होती लेकिन हमने नए क्षेत्र की स्पर्शना तो की नहीं और जब नए क्षेत्र की स्पर्शना नहीं कर पाए तो क्या होगा फिर अगर हम अपने भीतर सजग और प्रामाणिक नहीं होते केंद्र नहीं होते तो फिर काल प्रभाव डालता जाता है हम उसके प्रभाव में बैठे जाते और फिर काल जब प्रभाव डालता जाता है तो हम क्या देखते हैं आदमी कभी रोता है कभी हंसता है कभी खोता है कभी सोता है और वो हर स्थिति के अंदर विचलन में ही बना रहता है विचलित ही बना रहता है ये जो विचलन है ये जो विचलित स्थितियां है इसका मतलब है कि हम काल के दायरे में है वरना ने ये भी सुना है कई योगी होते हैं वो वर्षों तक जीते हैं हमारे लिए सौ वर्ष की उम्र बहुत बड़ी बात है उनके लिए पाँच सौ वर्ष भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं पाँच हजार वर्ष भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं उनका काल की गति एकदम स्लो हो गई उनके वही शरीर है लेकिन उनका आयुष्य एकदम आराम से स्लो हो गया और हम एग्जाम्पल देते हुए कोई अनुभवी लोग बोलते हैं कि जैसे कोई कुत्ता सांस लेता है तो ढोकने की तरफ फटाफट 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 सांस ले रहा है तो वो बीस साल में मर जाता है है ना लेकिन कोई ऐसे प्राणी भी है जो बड़ा आराम आराम से सांस ले रहे हैं उनकी उम्र बहुत लंबी हो गई शास्त्रों में बात करें तो देवताओं की बात आती है कि जो देवता जितनी उच्चतम स्थिति में है उनका श्वास उतनी देर के बाद आता है जिनका कईयों का सांस तो पंद्रह हमारे यहाँ की कैलकुलेशन के अनुसार पंद्रह दिन में एक बार आता है एक पखवाड़ा होता है तब एक सांस पूरा होता है उनका इतना स्लो इसीलिए हमारे यहाँ अगर हम सोचेंगे हम सौ वर्ष जी रहे उनके वहाँ वो दस हजार वर्ष हो जाएंगे वो कम से कम दस हजार वर्ष जी लेंगे आराम से हम जितने में यहाँ पे सौ वर्ष पूरा करते उनका वहां दस हजार वर्ष हो जाएगा अब ये टाइम स्केल चेंज हो गया हमारा सौ है उनका दस हजार है अब हमारी कैलकुलेशन से उनका दस हजार है उनकी कैलकुलेशन से पता नहीं क्या है जैसे आज हम बोलते हैं हमारे यहाँ सौ वर्ष कितना हमको लंबा लग रहा है लेकिन अगर बृहस्पति पे बैठ करके हम पृथ्वीवासी को देखे तो अब पृथ्वी को ही देखना है धरतीवासियों को स्टडी करनी है इस पृथ्वी के ग्रह की स्टडी करनी लेकिन अगर हम बृहस्पति में बैठ के स्टडी करें तो काल कैसा हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति तो बहुत ही स्लो चल रहा है तो उसको लगेगा पृथ्वीवासी तो घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे बहुत फास्ट है जो हमको स्लो लग रहा है वो किसी को फास्ट लग रहा है जो हमको फास्ट लग रहा है वो किसी के लिए स्लो हो सकता है तो देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन टू नो अ पर्सन और अ प्लेस और एटमोसफेयर और एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट कितने सारे डायमेंशन है तो हम सीख रहे कि काल से भी किसी पदार्थ को जाना जाता है सत से संख्या से क्षेत्र से स्पर्शना से और काल से तो काल से हम जान रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो वस्तु किस काल में है हम जब उसका अध्ययन कर रहे हैं तो अभी उस वहां का समय क्या है वहां का काल क्या है वो भी हमें जानना होगा जैसे कोई व्यक्ति आम की बात करे अभी आम का फल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भारत में इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में आम आते हैं लेकिन जब आम आ रहे हैं इस समय आम का स्वाद कैसा है और अभी एक दो महीने के बाद में आम का स्वाद कैसा होगा वही ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में आम बिल्कुल अलग लग रहे हैं लेकिन जैसी बारिश आने वाली हो जाएगी आम का स्वाद बदल जाएगा आद्रा नक्षत्र लगेगा आम का स्वाद बदल जाएगा आद्रा नक्षत्र मतलब बारिश का नक्षत्र अब बारिश का समय आ गया है अब आद्रा नक्षत्र आया और आम का स्वाद बदल गया अब लोग बोलते हैं अब आम नहीं खाना आम खाने में पाप लगता है आत्रा के बाद हम आम नहीं खाते आम खाने में पाप लगता है और बड़ी मजेदार बात है हमारे यहाँ पर कि हमें जो चीज करनी है या नहीं करनी है करनी है तो उसके साथ हमने पुण्य जोड़ दिया और नहीं करनी तो उसके साथ पाप जोड़ दिया जो कि बिल्कुल नॉर्मल स्वास्थ्य का नियम है कि जब कोई प्रकृति का दिया हुआ फल है वो फल जिस ऋतु में पक कर के आता है उसी ऋतु में खाया जाए तो मजेदार है उसके बाद में उसमें प्राकृतिक रूप से रूपांतरण आएगा क्योंकि काल अपना प्रभाव दे रहा है रूपांतरण आएगा अब उसका स्वाद बदल जाएगा क्यों बदल गया क्योंकि बाहर मौसम बदल गया है और मौसम बदलने से उसके अंदर थोड़े कीड़े पैदा हो जाएंगे उसका रस चलित हो जाएगा अब हम हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य को हानि करेगा पहले वो वही स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहा था अब वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है तो हमारे अनुभवी लोगों ने कहा कि भाई इस समय के बाद इस फल को नहीं खाना इस मौसम में ये पदार्थ नहीं खाना जैसे सावन बाद आ रहा है बारिश की ऋतु तो चालू हो गई है तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता अब नहीं है तो बहुत ज्यादा पानी पहुंचाने वाली वनस्पतियां हरी वनस्पतियां पत्ते वाली वनस्पतियां उनको इस समय में नहीं खाना क्योंकि हमारे शरीर को उनकी जरूरत नहीं है अब उन्होंने तो ये बात कही थी स्वास्थ्य के विज्ञान के अनुसार उन्होंने बात कही थी शरीर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति का तालमेल बना रहेगा तो शरीर मजेदार रहेगा है ना उन्होंने बात इस तरह से कही पर हम हम लोगों ने इन सब को भी एक रिचुअल बना दिया एक धार्मिक चैप्टर बना दिया और ऐसा बना दिया कि अब आम खाए तो पाप लगेगा अब पाप से क्या संबंध है इसका पाप से कोई संबंध ही नहीं है पाप क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है लेकिन हमने इसको पाप बना दिया और फिर इसके साथ भाई जोड़ दिया नहीं, नहीं भी, मेरे बन जाएंगे, लग पहुंचा जितना पहुंचा सकता है हानि भी पहुंचा सकता है तो अपने शरीर के विज्ञान को समझते हुए उसके अनुसार हम भोजन लें तो 12 महीनों में कौन से महीनों में कौन सा तरह का भोजन करना कौन से तरीके का भोजन नहीं करना वो ऋतुओं प्रकृति और काल के अनुसार बताया गया था लेकिन अब यही बात जो इंडिया में लागू हो रही है वही बात दूसरी कंट्रीज में लागू नहीं होगी क्योंकि वहां का मौसम अलग है वहां का काल अलग है वहां की प्रकृति अलग है और फिर अब ये बात तब और इंडिया में भी लागू नहीं होगी जबकि यहाँ पर इतने सारे रेफ्रिजरेटर्स इस तरीके के डेवलप हो गए हैं कि कई फल कई सारी ऋतुओं में भी अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे क्योंकि उनको टेम्परेचर में वैसे वैसे रखा जा रहा है जैसा टेम्परेचर उनकी बॉडी को नीडेड है अब क्या हो गया चीजें बदल गई लेकिन हम पुरानी बात को लेके पकड़ पकड़ के 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 बैठ बैठ गए और उनको भी धार्मिक समझ के के गए हम चुक रहे रहे हम हम गड़बड़ी स्थिति में पहुंच रहे हैं। क्यों क्योंकि तथ्य को नहीं जान रहे हैं हम तथ्य को जाने बिना चली आ रही रिवाज और मान्यता को ही फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमारी बातें फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को समझ नहीं आती तो वो जनरेशन कहती है तुम तो पागल हो किसी भी चीज को पाप बना देते हो अब सप्तमी को खाओ तो पाप नहीं और अष्टमी को खाओ तो पाप लग जाता है ये क्या बात क्वेश्चन तो ठीक है तुम जमीकन सातम को खा रहे हो उसको पाप नहीं बोल रहे हो आठम चौदह को खा रहे हो तो पाप बना रहे हो ऐसा कैसे हो गया गड़बड़ी कहाँ हुई कि जो जनरेशन इन बातों को फॉलो कर रही है उनके पास इन बातों का राइट नॉलेज नहीं है राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बातें कर क्यों रहे हैं हम आठम चौदह को क्या हो जाता है आठम चौदह को हमें खाना नहीं खाना दूसरे दिनों में खाना खाए तो पाप नहीं है इस दिनों में खाए तो पाप है पाप का संबंध नहीं था संबंध क्या था कि पर्टिकुलर काल में पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर स्पर्शना में जब हम रह रहे हैं तो हमें देखना होगा अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है हमें इन द्वारों से समझना था तो फिर बड़ा मजे से समझ में आता कि हाँ काल का भी प्रभाव है और पूर्णिमा चौदह अष्टमी अमावस्या ये सब चंद्रमा की गति के अनुसार जैसे बाहर परिवर्तन आ रहा है प्रकृति में हमारे भीतर शरीर में भी आ रहा है और जब शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है तो हमारा परिवर्तन कुछ ऐसा हो खान पान रहन सहन व्यवहार सब कुछ ऐसा हो कि उन परिवर्तनों के साथ प्रतिरोध पैदा ना करे रेजिस्टेंस डेवलप ना करे बल्कि उन सारे चेंजेस के साथ में हम कैसे कंफर्टेबली प्रोग्रेसिव बनाए रह सके तो जब प्रकृति ऐसा कह रही है, अभी हो जा। का दिन आ रहा है। पानी के अंदर समुद्र के पानी के अंदर अभी धलान आ रहा है पूरी प्रकृति शांति की तरफ बढ़ रही है ऊर्जाओं का स्तर नीचे की तरफ आ रहा है उस तो समय में आप भी अपने शरीर से रेस्ट लो विश्राम लो तो विश्राम लो तो ज्यादा उत्तेजक भोजन मत खाओ क्योंकि वो आपके शरीर को डिफरेंट दिशा में ले जाएगा तो नॉर्मल ऐसा सादा सा, सादा सा भोजन खाओ अथवा दशा में तो विश्राम में चले जाओ। जा, 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 भोजन की पड़े ना, पानी की ना ज्यादा बोलने की ना ज्यादा व्यवहार करने की तो अमावस्या के दिनों में पुराने समय में इंडिया के अंदर लोग अकता रखते थे छुट्टी का दिन अकर्ता का दिन अकता अकर्ता

कि इन दिनों में ये करना या ये नहीं करना इससे इस दिन का संबंध क्या है समय का संबंध क्या है काल का संबंध क्या है काल हमारी बॉडी क्योंकि हमारी बॉडी इस प्रकृति का ही तो हिस्सा है तो काल पूरा प्रभाव डाल रहा है जब चंद्रमा अमावस्या की स्थिति में है कलाएं नहीं दिखाई दे रही है उस समय पूरी धरती के ऊपर एक अलग वातावरण है पूरी प्रकृति एक अलग वातावरण में है तो उस समय हमारे हमारे शरीर की प्रकृति भी विश्राम की स्थिति में जाए जाना चाहती है तो इस समय अकड़ता हो जाए तब क्या करे अकड़ता हो जाए तो बोले सामायिक सामायिक में आए और पौषद उपवास यानी पूरे चौबीस घंटे के लिए पूरे आठ प्रहर के लिए सोलह प्रहर के लिए अपने भीतर उपराम स्थिति में आ जाए विश्राम में आकर के आत्म ध्यान करे चिंतन मनन करे स्वाध्याय करें शायद स्वर्ग में जाए उसके लिए अमावस्या पूर्णिमा के दिन बताया गया और पूर्णिमा के दिनों में क्या होता है अब पूर्णिमा में बहुत जबरदस्त ज्वार उठने वाला है अब भीतर हम जिस केंद्र पे टच कर रहे हैं उस केंद्र का ज्वार उठेगा सपोज हम भोग भोगी है एकदम भोगमय है राग रस रंगमय है रसमय है हमारी स्थिति ऐसी है बस इंद्रियों के अधीन है हम तो उस तरह के ज्वार उठेंगे हमारी स्थिति है कि मन के आवेगों के अधीन है हम तो आवेग उठेंगे तो बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन आते आते भीतर में से ऐसा आवेश उठता है कि जाके आत्महत्या तक कर बैठते तो मनोवैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया रिसर्च करी स्टडी करी उनको समझ आया कि ज्यादा से ज्यादा सुसाइड केस जो होते हैं वो तब आते हैं जब पूर्णिमा की रात होती है क्योंकि भीतर में वो भरा पड़ा है और जो भरा पड़ा है ज्वार जब आएगा तो जो भी, भीतर का भराव है उसमें ज्वार आएगा और भीतर भक्ति का भराव है तो भक्ति में ज्वार आएगा मस्ती का भराव है मस्ती का ज्वार आएगा और भीतर डिप्रेशन है क्रोध है एंजाइटी है चिंता है घृणा है ईर्ष्या है द्वेष है तो उसका ज्वार उठ जाएगा वो तो ज्वार उठाएगा क्योंकि चंद्रमा पूर्ण स्थिति में है समुद्र में ज्वार आ रहा है और हमारी बॉडी में भी 85 परसेंट जल है तो उसमें भी ज्वार आएगा अभी भीतर जिस तरह की मनोदशा है उस तरह में ज्वार आ जाएगा तो लोग पूर्णिमा की रात को क्या करते हैं कई लोग शंकेश्वर गिरनार जी पाली जी मंदिर में बैठे है गुरुद्वार पे बैठे हैं और वहां पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं कितनी मजेदार बात है ज्वार तो आना ही है तो भक्ति में क्यों ना आए तो वो भक्ति में ज्वार लाते हैं पूरी पूरी रात भक्ति करते हैं पूरी पूरी रात गाते बजाते हैं पूरी पूरी रात कोई लोग ध्यान में रहे कोई लोग मौन में है कोई लोग व्रत उपवास में है क्योंकि उन्होंने परंपरा से प्राप्त किया और फिर किसी ने अनुभव से जाना है कि ऐसा करने से हमारे भीतर एक अलग स्थिति आती है जो पूर्णिमा की रात आती है वो स्थिति उसके बाद में नहीं आएगी चौथ को तीज को पाचम को स्थिति बदल जाएगी अब ये उन्होंने कैसे जाना काल का अध्ययन करके जाना कैसे काल से हम इंक्लूसिव है पूरे प्रोग्राम के साथ में तो ये चंद्रमा हमारे ऊपर असर डाल रहा है ऐसे सूर्योदय सूर्यास्त असर डाल रहा है देखो दिन उगता है तो दिन उगने के साथ ही सब कुछ उठना चालू हो जाता है सारे पक्षी गाने बजाने चालू कर देते सूर्योदय हुआ सब भीड़ से बाहर निकल रहे हैं खाना ढूंढने जा रहे हैं सूर्यास्त होता है हम इतना ट्रेवल करते हैं हम सूर्योदय में ट्रेवल करते हैं कभी सूर्यास्त में हम देखते हैं सूर्यास्त के समय कैसे सारे पंश पक्षी एक पूरी पंक्तियां बना बना करके सब लौट रहे होते हैं अभी पूर्व से जा रहे थे अभी पश्चिम से लौट रहे ये काल है सूर्य उगने के साथ हमारे शरीर में कुछ उठ रहा है जीवन ऊर्जा अपना रूप ले रही है तो हम सब कुछ करने की दिशा में जाएंगे कुछ क्रिएटिव होंगे ये कर लो वो कर लो वही रात होने लगेगी शाम होने लगेगी हमारा शरीर विश्राम में जाना पसंद करेगा अब उड़ जाए का स्तर गिर रहा है जो शरीर विश्राम में जाना चाह रहा है इस समय इसको सक्रिय बनाने के लिए हम भोजन डाले जा रहे हैं भोजन डाले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इंक्लूसिव प्रोग्राम को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे तो हमें देखना होगा कि शरीर विश्राम में जाना चाह रहा है तो इसको अनावश्यक भोजन डाल करके इसको वापस श्रम में क्यों ले जाए तो रात्रि भोजन नहीं करना प्राकृतिक रूप से ठीक है उसका पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है धर्म अधर्म से कोई संबंध नहीं है इसका संबंध शरीर की प्रकृति के साथ है कि हम इस पूरी प्रकृति का जब इंक्लूसिव प्रोग्राम में है तो हम प्रकृति जिस तरह से चल रही है वैसे मूवमेंट्स करें कितना मजा आएगा तो हमारे भीतर एक रिदम पैदा होगी और जो लोग रिदमिक है वो स्वस्थ है जिसकी रिदम टूट गई वो अस्वस्थ हो गए रिदम और हारमोनी है तो हम सब स्वस्थ है पूरे प्रोग्राम के साथ मजेदार है तो ऑटोमेटिकली हमारे डिसीजंस राइट right होते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली हम सबके साथ कनेक्टेड है ना तो हमें इंट्यूशन आते हैं हमें समझ आते हैं इस समय क्या होना इंट्यूशन की पावर सबके भीतर है वो लोग मोर इंट्यूटिव है जो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं जो प्रकृति के साथ इंक्लूसिव होके जी रहे हैं। वो इंट्यूटिव अनकन्शियस आता उनको समझ आता है अंदर से समझ आती है और जिनको फिर अंदर से समझ नहीं आ रही है जो अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो क्या करते हैं वो और इस तरह से हम लोग जीए जा रहे क्योंकि हमें अपने से समझ नहीं है हम अपने से कनेक्टेड नहीं है इंक्लूसिव नहीं है वो इंक्लूसिविटी वो हारमोनी नहीं होने की वजह से हम जगह जगह फिर पूछने जाते हैं फिर लोग मिलते हैं तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट इस बात में जानने में होता है हमारा फ्यूचर बता दो हमारे भविष्य के बारे में बता दो उनको बोलते भविष्य के बारे में जानने से क्या हो जाएगा बोले नहीं मुझे उत्सुकता है भविष्य पता लग जाए तो मैं ठीक जीऊंगा या फिर वो कहते हैं अच्छा उनके बारे में बताओ जो महावीर के साथ हुआ जो बुद्ध के साथ हुआ अच्छा उनके बारे में जानने से हम बता तो देंगे लेकिन होगा क्या ये बताओ तुम अपने आप के साथ क्या कर रहे उसको हो उसको जानने से महत्वपूर्ण होगा तुम कहाँ हो लेकिन नहीं हमको अपने से चुकना है इसीलिए हम या तो भविष्य में जाएंगे या भूत में चले जाएंगे वहां की स्टडी कर रहे हैं पास की स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री की स्टडी करेंगे या हम ऑस्ट्रोलॉजी में कई और दूसरी लॉजीज में चले जाएंगे और अपनी खुद की बायोलॉजी हमें पता नहीं है खुद की ज्योग्राफी पता नहीं है खुद की एस्ट्रोनॉमी पता नहीं है तो भीतर हो रहा है वो कुछ पता नहीं है तो फिर हम मिस हो जाएंगे तो सारे लोग हम मिस जी रहे क्यों क्योंकि हमने ये सारा ज्ञान अपने आप के से जानने का था इस इंक्लूसिव होकर के जानने का था और तब इंट्यूशन खुद ब खुद आते खुद ब खुद समझ आता कब क्या करना कैसे जीना देखो ना हमें नींद में से जाग आती है कैसे आती नींद से जाग अपना से आती है ना रोज थोड़ी कोई अलार्म जगाता है कोई लोग जगाते हैं नहीं बॉडी जानती है कि कब उसका सर्कल पूरा हो गया मीन से बाहर आ जाती है बॉडी जानती है कब उसके सर्कल को मीन की जरूरत आ रही हो नींद की दिशा में ले जाती है देखो कई चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है जो नॉन वॉलेंट्री है वो चीजें कैसे काम कर रही है जो वॉलेंट्री कर रहे हैं वो कैसे काम कर रही है जो हम कर रहे हैं वहां तो हम गड़बड़ी कर रहे हैं लेकिन जो हम नहीं कर रहे हैं हमारे अधीन ही नहीं है जैसे सांस का आना जाना वो चीजें कितनी मजेदार काम करती है तो कैसे हम सहज हो जाए तो काल का ज्ञान बताया काल से किसी पदार्थ को जानो सत संख्या क्षेत्र काल काल से जानो तो वो काल क्या है क्योंकि समय का अपना प्रभाव है अब वो जो काल की स्टडी जिन्होंने की उन्होंने काल की गणना करते करते वो आदमी के भीतर बहुत सारे तलों को छू गए और तब कोई लोग चेहरा देख के बता देते हैं कोई लोग हाथ देख के बता देते हैं कोई लोग केवल आपको देख के कोई लोग आपके बारे में कुछ जान के बता देते हैं हम तो इतने प्रभावित हो जाते हैं अरे इनको कैसे पता लगा कि मेरी बॉडी में पे ये 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 चिन्ह है है लक्षण या या मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ हुआ साथ वो हुआ क्यों बता पा रहे वो क्योंकि उन्होंने काल की स्टडी करी और क्या वो काल की स्टडी हमारे भीतर नहीं है हम सबके भीतर है और कितना मजा आए हम मिस गाइड होने की बजाय अपने भीतर खुद ही अपनी स्टडी करने लग जाए कि मेरे भीतर किस काल में क्या हो रहा है किस तिथि पे क्या हो रहा है तो हमारे भीतर की गति हमें पता लगने लग जाए तो हम अपनी गति का खुद कंट्रोल ले लेंगे खुद संचालक हो जाएंगे और नहीं तो हम प्रभाव में आकर के न जाने कितने तरह के भय और लालच के हिस्सा बन जाएंगे और यही तो होता है लोग ज्योतिषियों के पास जाते ज्योतिषी लोग दो चार बातें ऐसी बोलते हैं जिसको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है और उसके बाद वो कोई ऐसी बात बोलते हैं हमारे भीतर में उसकी कल्पना डर के रूप में पैदा हो जाती है और फिर कैसे हमारा माइंड गेम खेलना शुरू करता है और सब कुछ माइंड का गेम है अब इसने वह पकड़ लिया है तो उसको चीजों में सब जगह लॉस लॉस दिखने लग जाएगा और दिखने लग गया है तो होने लग जाएगा ऐसी लालच पकड़ लिया है तो उसके भीतर एक अलग तरह का उत्साह आ जाएगा और वो अलग तरह का उत्साह आने की वजह से एनर्जी उस तरह से काम करेगी और फिर वैसा होने लग जाएगा और ये सारा माइंड गेम चालू रहता है और ऐसे हम एक दूसरे को माइंड गेम एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं हमारा बस चलता है तब तो कोई हमारे प्रभाव में आ जाता है और नहीं तो हम किसी और के प्रभाव में आ जाते हैं और इस तरह से हम प्रभाव से प्रभाव में ऊपर नीचे होते रहते हैं घटते बढ़ते रहते हैं लेकिन जो स्वभाव में आ गया उसका उतार चढ़ाव गटन बढ़न सब खत्म वो स्वाभाविक हो गया वो मुक्त हुआ तो मुक्त होने का मतलब क्या है कि स्वाभाविक हो जाओ तो मुक्त हो गए किससे मुक्त हो गए प्रभावों से मुक्त हो गए और प्रभाव में क्या है ऊपर नीचे है अल्पा बहुत्व है कभी घटोगे कभी बढ़ोगे फिर किसी कोई ना कोई कंपेरिजन चालू रहेगा और कंपैरिजन में क्या होता है जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हमें मजा आता है जब हम घट रहे होते हैं हमें दुख होता है ऐसी किसी और के साथ हो रहा होता है और हम इसी कंपैरिजन में घूमते रहते हैं पूरी जिंदगी हमें समझ आया कि कंपैरिजन ये अल्पा बहुत्व जो है वो हमारे माइंड के साथ चल रहा है स्वाभाविक दशा में ना अल्प है ना बहुत्व है लेकिन प्रभाव में अल्प बहुत्व चालू ही रहता है तो काल काल के बाद है अंतर अंतर का मतलब क्या है डिफरेंस किसी चीज को किसी जब हम जान रहे होते हैं तो उसको डिफरेंस से भी जानते हैं कि ये एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या अंतर रखता है क्या साम्यता रखता है या यह स्थिति जो अभी आई है वो वापस कब आएगी अंतर इसी स्थिति को लौट करके वापस आने को भी अंतर बोलते हैं अंतर इन डिफरेंस जैसे हम बोलते हैं अभी गर्मी है वापस आठ महीने बाद वापस गर्मी आ जाएगी बारिश है वापस बारिश है कब आएगी यहाँ पर इस क्षेत्र में ये बारिश आठ महीने बाद आती है इस क्षेत्र में बारिश छह महीने बाद आती है इस क्षेत्र में बारिश चार महीने बाद आती है और कोई कोई क्षेत्र ऐसे जहाँ बारिश बारह महीने रहती है है ना इंडिया में भी कोई क्षेत्र ऐसे जहाँ बारिश बारह महीने रहती है जब बार, बारिश ऋतु नहीं होती वहां बारिश ऋतु ही होती है बारिश ऋतु है तो कोई क्षेत्र ऐसे है जहाँ गर्मी रहती है बहुत गर्मी रहती है हम देखते हैं दुबई के अंदर बात करते हैं वह गर्मी गर्मी रहती है वह मुश्किल से कोई दो महीने आएंगे जब थोड़ी ठंडी का मौसम रहेगा बारिश है करानी पड़ेगी क्योंकि बारिश है नहीं तो ये सब क्या हो गया है हमें अंतर से भी जानना होता है कि किसी सब्जेक्ट को समझना है तो अंतर समझना होगा कि उसमें डिफरेंस कब आता है वो चीजें लौट करके कब आती है वो अंतर हो गया एक स्थिति से छूटो करके हट करके वापस उसी स्थिति में लौट के आने को अंतर बोलते हैं डिफरेंस का मतलब यह है कि ये ऐसा था और वापस लौट के ऐसा कब आएगा ये भी अंतर है और एक काल में दूसरे काल में रहे व्यक्ति के अंतर को भी जानना अंतर है अब हम जो स्थिति में अभी जी रहे हैं अनुभवी लोग कहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जैसे व्हील हो चक्र हो जब चक्र कोई चीज है चक्राकार कोई चीज है तो जो अभी इस पॉइंट पर वापस उस पॉइंट पर वो आएगा जैसे हम अपनी घड़ी को देखते हैं तो बारह सुई बारह बजाती है वो घड़ी तो जो घड़ी बंद हो गई है उस घड़ी के बारे में मजेदार बात बोलते हैं कि दो टाइम तो ये घड़ी भी सही टाइम बताती है घड़ी बंद हो गई वो दो टाइम तो सही टाइम बताएगी क्योंकि दो टाइम में वो जहां भी खड़ी है वो दो टाइम तो जिंदगी में वो आएगा ही आएगा है ना तो बंद रहा वो आदमी भी कभी कभी सही है लेकिन बंधा हुआ है वो लेकिन जो घड़ी चल रही है वो अंतर बता रही है कि ये बारह अभी बजा रही है वापस बारह कब कि बारह घंटे बाद वापस बारह बजायेगी बारह घंटे बाद वापस तीन बजाएगी बारह घंटे बाद वापस क्योंकि गोल गोल है तो लौट के वापस उस जगह पर आएंगे ऐसे ही हम भी इस संसार में गोल-गोल है तो लौट के वापस उस जगह पर आ जाएंगे अभी पैदा हुए थे लेकिन फिर वापस एक स्थिति आएगी वापस पैदा हो जाएंगे अब ये सारे चक्र से क्या समझ में आता है तो बहुत सारी बातें अनुभवी लोग बताते हैं कि सूर्य की परिक्रमा का एक अलग चक्र है उसकी अंतर है वापस चंद्र की परिक्रमा का वापस एक चक्कर है ऐसे हर एक ग्रह नक्षत्र के परिक्रमा का एक अंतर है और वो वापस उस जगह पे लौट करके आ जाता है तो मनुष्य का भी 120 साल का एक हौरा है 120 साल के बाद में वापस मनुष्य उस जगह पर आता है और वो चाहे बीच में मर जाए वापस पैदा हो जाता है लेकिन उसका वो राउंड जो है वो चालू ही है इसीलिए वो जिस पॉइंट पर मर जाता है उसी पॉइंट से वापस आगे चालू हो जाती है उसकी यात्रा जैसे हमने लेशिया विज्ञान को पढ़ते वक्त कहा था कि जिस लिशिया में आदमी मर जाता है उसी लेशिया में उसकी आगे ये जर्नी चालू हो जाती है बीच में नया लेशा नहीं आएगी जिस लेशिया में मरा है उसी में वो पैदा होएगा तो हौरा में हम जिस चक्र के जिस पॉइंट पे मर गए हम उसी चक्र के पॉइंट से वापस आगे हमारी गति चालू हो जाती है और ये गोल 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 हम घूमते रहते हैं तब तक घूमते रहेंगे जब तक हम केंद्र पे ना आ जाए सेंट्रलाइज ना हो जाए सेंटर पे आना स्वभाव में आना है और गोल गोल घूमना प्रभाव में जीना है तो प्रभाव में तो हमेशा ही ऊपर नीचे रहेंगे आगे पीछे रहेंगे लौट के फिर वहां आ जाएंगे लेकिन स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं है तो काल से अंतर से जान रहे हैं और फिर भाव से जान रहे हैं। भाव यानी उस कोई भी पदार्थ जो है उसका अपना एक केमिकल कंपोजिशन है उसकी अपनी एक बायोलॉजी है 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 उसकी उसकी अपनी अपनी एक एक रहने की स्थिति उसका भाव है। तो हमारे शरीर में भी भाव है हम जब अपनी बात करते हैं तो हम अपने भावों से पहचाने हमारे भाव कहाँ है जैसा भाव है वैसे हमारे शरीर में रसायन फैल रहे हैं भाव के साथ हमारा शरीर वैसे, वैसे वैसे काम कर रहा है जैसे अभी आप बैठे हो और आपको पता है कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और उसको प्यास लगी और उसको पानी पीने की इच्छा है और वो नहीं उठ पा रहा है और उसको पानी देना है ठीक है ना उसको पानी देना आपको पता है लेकिन आपके भीतर भाव ही नहीं उठ रहा है उसको पानी दो माइंड से तो पता है कि वो कह रहा है कि उसको पानी चाहिए आपको पानी देना भी है लेकिन आप कहते हो अभी मन नहीं कर रहा देने का ये मन नहीं कर रहा देने का मतलब क्या हुआ अब मन नहीं कर रहा तो बड़ी खड़ी नहीं होगी चलेगी नहीं पानी लेकर ही नहीं आएगी मन नहीं करा क्योंकि भीतर भाव ही नहीं उठ रहा है जब भाव उठेगा तो शरीर उठेगा और वो पानी लेकर आ जाएगा भाव पूरे शरीर से उठते हैं और भाव पूरे शरीर में काम कर रहे होते हैं और शरीर से जो कुछ उठ, उठ रहा है वो भाव है हम इसको समझ पाए तो बड़ा मजा हो जाएगा विचार हुआ जो मन से संचालित हो रहा है मन भाव वो जो पूरे शरीर पे काम कर रहा है इसीलिए जब भाव होता है तो आत्मा कितनी परिक्रमा कर लेता है ननाणु यात्रा कर लेता है गिरनार जी की अभी हमारे साथ एक फ्रेंड है हमारी एक लड़की है यंग एकदम वो बोलती मैंने गिरनार की ननाणु यात्रा कर लिया मैंने कहा ननाणु यात्रा मतलब एक एक दिन में कितनी बार चढ़ लेते थे वो बोलते एक दिन में तीन और चार बार भी हम चढ़ जाते तो एक बार चढ़ने में भी सोचते और वो तीन चार बार ऐसा कैसे बोलते तब तो कुछ और दिखता ही नहीं है कोई बस एक ही तरंग आती है बस चढ़ना है उतरना है चढ़ना है उतरना है बस हम उस भाव तरंग में चलते जाते हैं और ऐसे ही होता है भाव आता है तो कैसे लोग उपवास भी कर लेते हैं भाव आता है तो फिर भीतर में कुछ और स्थिति आ जाती है ये भाव क्या है भावों से पहचान है ये भाव कहां से आ रहे हैं भावों से पदार्थ अपना रूप ले रहा है भावों से घटनाएं घट रही है भावों से सारा कुछ हमारे भीतर में उतार चढ़ाव परिवर्तन आ रहा है और ये भाव कहाँ से आ रहे वो हमें पता नहीं है तो वस्तु तो पदार्थ को जानने के लिए उसके भाव को समझना आवश्यक है काल से समझ लो अंतर से समझो और भाव से समझो कि भाव क्या है इसका इस समय का भाव अब जैसे हम पदार्थों को पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं भावों से ही तो पकड़ते हैं सोना क्यों मूल्यवान हो गया उसका भाव इतना ऊपर क्यों चांदी का ऐसा क्यों डायमंड का ऐसा क्यों सब भाव ही तो है ही सब कीमत है ये भाव है इसकी सोने का अपना कोई मूल्य थोड़ी है अगर पूरी पृथ्वी को सोना सोना कर दो तो मिट्टी हो जाएगा जैसे मिट्टी पड़ी चार है चारोर लेकिन चूंकि उसकी स्कैरेसिटी है इसीलिए वो बहुत मूल्यवान हो गया डायमंड इतना मूल्य क्यों है अगर चार ओर कंकरों की जगह डायमंड बिखरे होते तो डायमंड का कोई मूल्य होता क्या डायमंड का अपना तो कोई मूल्य नहीं है डायमंड में किसने भाव डाले डायमंड की कीमत किसने बनाई हमने बनाई क्यों बनाई क्योंकि वो हमारे यहाँ कम मिलता है चमकदार पत्थर है अब अच्छा चमकदार पत्थर कम मिलता है, है, तो है वो आकर्षण का जो लालच है उसका जो प्रभाव उसका जो सम्मोहन है उस सम्मोहन से हम बाहर आ जाएंगे अन्यथा लोग कई कई लोग तो पूरी पूरी जिंदगी खाली इसी सम्मोहन में है सोने का सम्मोहन चांदी का सम्मोहन डायमंड का सम्मोहन फिर डायमंड में सॉलिटेयर का सम्मोहन सॉलिटेयर का एकदम अलग ही आकर्षण आता है बस मुझे एक सॉलिटेयर मिल जाए और मिल गया फिर क्या होगा लेकिन इसका इतना आकर्षण है इतना भाव हो गया उसका उसको इतनी वैल्यू दे दी और वैल्यू क्या है क्योंकि वो कम है इसलिए वैल्यू है बहुत ज्यादा हो जाए तो कम लोगों के पास मिलता है इसलिए हमको अहंकार आ सकता है इसके हम इससे हम एक्सक्लूसिव बन सकते हैं और चूंकि जो पदार्थ हमें एक्सक्लूसिविटी का थोड़ा बोध देंगे एक्सक्लूसिविटी की फीलिंग कराएंगे हमें सबको वो पदार्थ चाहिए होते हैं। हमको ट्रेवल करना है हमको वो करना जा जाकर कर फील कर सके आर oh, अब पता लग जाए यहाँ तो बहुत लोग ट्रेवल कर रहे हैं बहुत लोग कर चुके हैं ये काम तो बहुत बार हो चुका है हजारों बार हो चुका है तो बात खत्म तो हो जाएगी भगवान महावीर यही तो करते थे उनके पास लोग आ रहे थे वो अपने आप को एक्सक्लूसिव समझ रहे थे हम यहाँ के राजा है यहाँ के सामंत है हमारे पास इतनी सेना है इतना बल ये वो महावीर कहते आँख बंद करके देख ये तेरे पास आज है या पहले भी था और महावीर भगवान के प्रभाव से उन लोगों में जाति स्मरण पैदा होता वो अपने पुराने जन्मों का स्मरण कर पा रहे थे और जैसे वो देखते इस फिल्म में ये तो हजारों बार हो चुका और ये तो हजारों लोगों को हो चुका इसमें नई बात क्या है एंकर खत्म एसोसिएशन डाउन सम्मोहन खत्म प्रभाव खत्म अब वो नशे से थोड़े जागे तो महावीर कहते ये जीवन का यथार्थ नहीं है ये जो तू तो आज कर रहा है वो तो सैकड़ों बार कर चुका ये रानिया कितनी बार भोग चुका ये स्वर्ग के सुख कितनी बार ले चुका अब तो जाके देख कि क्या जिसके पीछे तू तो भाग रहा है जिस पत्नी को जिस परिवार को जिस पैसे को जिस संपदा को जिस नाम को जिस यश को कमाने के पीछे तो भाग रहा है ये पहली बार है या हजारों बार हो चुका और उसके बाद क्या हुआ थोड़ा भी इंटेलिजेंट आदमी तो सोचेगा ये सब हो गया उसके बाद क्या मैं तो वही क्या वही जो भीतर में वाइडनेस है वो तो वो की वो है आंतरिक खालीपन तो तब भी है बाहर में सब कुछ इकट्ठा कर लिया और कितनी देर तक सम्मोन में रहेंगे एक क्षण के लिए संभव से बाहर आए तो पता लगे ओ मैं क्या हूं तब खोज पैदा हुई मैं क्या हूं मैं कहां हूं मेरा वास्तविक रूप क्या है फिर और फिर कभी तो हम एकदम दीन हो जाते एकदम छोटे हो जाते हैं अरे मैं हो गया ना चीज नहीं कभी जब वास्तविक रूप को समझ ले तो बड़ा मजा आता है अरे मैं ही ब्रह्मांड सो हम मैं वही हूँ जो आप हो सोहम पैदा हो जाते हैं अरे महावीर जो आप हो वही मैं हूँ बुद्ध जो आप हो वही मैं मैं कृष्ण जो आप हो वही में सोहम पैदा होता है कभी जब अपनी इस रिक्तता से हम मुक्त हो जाते हैं जब हमें समझ आ जाती है रिक्तता क्या है क्यों है बस वैसी सोहम स्थिति पैदा हो जाती है तो बड़ा मजेदार है ये सूत्र ये कहता है किस किस अपेक्षाओं से खुद को और दूसरे को जाना जा सकता है किन किन द्वारों से समझा जा सकता है रिलेटिव नॉलेज है ना इस रिलेटिविटी को हम अच्छे से समझ ले तो हम रियल तक पहुंच जाएंगे रिलेटिविटी के भी फैक्ट में जाना होगा विराट गुरु जी क्या करते थे क्योंकि उनको ज्योतिष का जबरदस्त अनुभव ज्ञान था तो विराट गुरु जी क्या करते थे कि अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष में भी डीप से डीप डीप से डीप उसके कौर तक पहुंच जाए वो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा

जैसे आप उसके डीपेस्ट कोर तक पहुंच जाते हो उसके बाद को समझ में आता है कि एक के जाने सब जाने एक साधे तो आप सेवा में खड़े हो दान में खड़े हो आप मौन में खड़े हो ध्यान में खड़े आप तप में खड़े आप स्वाध्याय में खड़े हो आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पे क्यों ना खड़े हो आप उसके डीपेस्ट कोर पे चले जाओ लेकिन डीपे कोर्ट पर जाने के पहले ध्यान रखना होगा विशुद्धि होगी तो अशुद्धियां बाहर निकलेगी अशुद्धियां बाहर निकलेगी तब धैर्य और संकल्प पूरा हो विराट गुरु जी अपने अनुभव से कहते थे जब उनसे पूछा गया साधना क्या है है ना वो कहते हैं कि गहन धैर्य और पूर्ण ध्यान से समण चले सम गहन धैर्य गहरा धैर्य और पूर्ण ध्यान पूर्ण सजगता गहन धैर्य और पूर्ण ध्यान से समण चले समन यानी समता का चले बैलेंसिंग वे पे है ना धाम ध्वजा पावे धमचक अंत तो वो ध्येय धाम पे जो उसका ध्येय है जो उसका लक्ष्य है उसके धाम पर जैसे गौरी शिखर पर फहरा ध्वजा पावे धमचक अंत

ऐसे ही विराट गुरु जी हमेशा दो सूत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे गहन धैर्य और पूर्ण ध्यान से समण चले सम धाम ध्वजा पावे धमचक अंत धामचक का यानी संसार चौकड़ी का अंत हो जाता है सत से जाने संख्या से जाने क्षेत्र से स्पर्शन से काल से अंतर से भाव से और अल्प बहुत्व से कंपेरेटिवली

शमशान पे यात्रा जा रही है शव जा रहा है ये क्या है और कंपेटेटिव स्टडी पैदा होगी तो कल को मैं भी मर जाऊंगा क्या और जब कल मर जाऊंगा तो आज ही मर गया फिर तो बात ही खत्म हो गई अल्प बहुत तो मतलब कम ज्यादा अल्प बहुत यानी तो कंपेरेटिव स्टडी और वो क्षेत्र से हो सकती है परिमाण से हो सकती है परिणाम से हो सकती है दशाओं से हो सकती है किसी भी पॉइंट की आप कंपेटेटिव स्टडी कर सकते हो कम ज्यादा स्टडी कर सकते हो देख सकते हो और तब बहुत पैदा हो जाए और कैसे शोध हो कैसे बोध हो उसी के लिए सारी बात की जा रही है शोध पैदा हो जाए तो बोध जग जाए और बोध जग जाए तो आदमी प्रभावों से सम्मोहन से जाग जाए नशे से बाहर आ जाए प्रमाद से मुक्त हो जाए और जैसे प्रमाद से मुक्त हुआ फिर मौज ही मौजे आनंद ही आनंद है वो आनंद सबको मिले यही सद्भावना यही दुआ आज का सब्जेक्ट यहीं पर अभी विराम देते हैं क्लोज करते हैं सबके लिए बहुत सद्भावना शुभकामना आशीष विराट गुरु जी का दिया हुआ आशीर्वचन सबके लिए बोलती हूँ आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे यू रूह की मुस्कान खुल के रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के जय हो जय हो जय हो सब का कल्याण हो ओम शांति ओम शांति थैंक यू थैंक्स टू ऑल आप सबके निमित्त से ये निकल पाता है